क्या आप रोज सेक्स करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही? क्या है इसका रीज़न? क्या है गलतियां जो आपने की है? तो दोस्तों, इस वीडियो में यही सारी बातें जो आपको पूरी अच्छी तरह से पता चलेगी। हेलो, मैं हूँ आरोही और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पता चलेगी। प्रेग्नेंट होने के लिए रोज सेक्स करना ज़रूरी नहीं है, सही टाइम पे संबंध बनाना ज़रूरी है। अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे करते हो, अगर आप उन दिनों में करते हो जब आपकी बॉडी चाहती है कंसीव करना, यानी कि गर्भधारण करना। ऐसा नहीं है कि 30 दिन में आप कभी भी आप कर सकते हो, यानी कि 30 दिन में कभी भी यौन संबंध बनाए और आप प्रेग्नेंट हो गए। नहीं, हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है। अगर आपने ओवुलेशन पीरियड में, यानी वो समय जिस समय गर्भधारण का समय होता है, उस समय अगर यौन संबंध नहीं बनाए, आप इंटीमेट नहीं हुई, आपने सेक्स नहीं किया, तो उस समय प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव नहीं होगी। दूसरी बात है कि स्पर्म काउंट कम होना। स्पर्म काउंट कम होने का मतलब होता है कि कम स्पर्म बनना। अगर आपके पार्टनर, मेल पार्टनर का यानी आपके हस्बैंड का कम स्पर्म बनता है, तो उस वजह से भी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और बहुत सारे आपको उपाय करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगला रीज़न जो है वो है कि हो सकता है कि आपका हाइमन जो है वो नहीं ब्रेक हुआ है। हाइमन क्या होती है? हाइमन गर्भ के पास की एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे टूटना होता है। ब्रेक होने के बाद ही स्पर्म जो है डायरेक्टली पहुंचता है यूटेरस में, यानी कि गर्भ में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हाइमन कई बार देखा गया है कि जल्दी ब्रेक नहीं होता, ऐसा भी देखा गया है कई बार बहुत सारे केसेस में। तो ये भी रीज़न हो सकती है। उसी के साथ साथ हो सकता है कि आपने सही डाइट नहीं लिया। सही डाइट ना लेने की वजह से भी आपकी बॉडी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही टाइम पे करो। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पोजीशंस होते हैं, सेक्सुअल पोजीशंस होती हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रेगनेंसी के लिए आपको सही पोजीशंस पे भी कंसीव करना होता है, सही एक्टिविटी भी करनी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी मैटर करती है। नेक्स्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये देखा गया है कि कई बार जो है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान लुब्रिकेंट्स का यूज़ होता है। बहुत ऐसे ऑयल्स यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स यूज़ करने की वजह से स्पर्म जो है वो पहुँच नहीं पाते जहाँ उसे पॉइंट पर पहुँचना चाहिए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो गई। तो लुब्रिकेंट्स का भी यूज़ जो है कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगे ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहना। थैंक यू सो मच।